तो फाइनली गाइस जैसे कि तारक मेहता की उल्टा चश्मा शो की रिफ्रेंड स्टोरी में देखने को मिलता है कि जेठालाल ने अपनी दुकान को बेचने के प्लान को ड्रॉप कर दिया है और अब उसके घर में बाबूजी ने सजेस्ट किया है कि वो अपनी पुश्तैनी जमीन जो कि गांव में है उसको बेचकर वहां से जो पैसे आएंगे वहां से रैम्पन कंपनी को पैसे चुका देंगे। यहां पर जमीन को बेचने के लिए जेठालाल और बाबूजी सुंदरलाल की मदद लेते हैं और शो के रिफेंड प्रोमो में दिखाया जाता है कि सुंदरलाल ने एक बायर भी ढूंढ लिया है और ये जो बायर है ना वो मुंबई से है और उन्होंने जेठालाल की जमीन की वैल्यू 1 करोड़ रुपए आंकी है और वहां से वो 75 लाख रुपए जेठालाल की जमीन की कीमत देने को तैयार हैं और उसको उसकी जमीन की पेमेंट अगले ही दिन मिल जाएगी। 50 लाख रुपए जमीन की रजिस्ट्री करते टाइम और 25 लाख रुपए उसके बाद सब कुछ फाइनल होने के बाद जेठालाल को मिल जाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड शो के प्रोमो को देखने के बाद ज्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि हो ना हो दोस्तों ये जमीन को खरीदने वाला बंदा जो मुंबई से है वो भोगीलाल ही है और यहाँ पर दोस्तों शो की स्टोरी भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड लग रही है मुंबई से और जेठालाल की जमीन से। और यहाँ पर जेठालाल ने सुंदर को कहा भी है कि जमीन को बेचते टाइम उसकी आइडेंटिटी को हिडन रखा जाए, पर दोस्तों यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर भोगीलाल जेठालाल की जमीन को खरीदने वाला वो बड़ी पार्टी है क्योंकि दोस्तों मुंबई में करोड़ों लोग हैं और उनमें से भोगीलाल ही जेठालाल की जमीन को खरीदेगा, ऐसा कोई दोस्तों बड़ा लॉजिक नहीं बनता। ये होता भी है तो दोस्तों एक कोइंसिडेंस होगा और बाकी फ्रेंड्स अभी स्टोरी में भोगीलाल की किसी भी एंगल से जमीन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों कोई और पार्टी हो सकती है जो कि जेठालाल की जमीन को खरीदने वाली है। वेल फ्रेंड्स आने वाले अगले एपिसोड में तो वक्त ये बताएगा कि जेठालाल की जमीन बिक रही है या फिर नहीं बिक रही है और यहाँ पर दोस्तों आने वाले स्टोरी में देखने को मिलेगा कि भोगीलाल का भांडा कैसे फूटता है और जेठालाल इस समस्या से कैसे निकलता है, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और बाकी फ्रेंड्स आप क्या सोचते हैं स्टोरी के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड फ्रेंड फॉर न्यू अपडेट ऑन तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।